बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। ये स्टिकर इसके अंदर, ये टैंक पैड लगा इसके अंदर, देख सकते हो। तो थाई पैड ये लगे हुए आते नहीं है अलग से, ये भी लगाए हुए हैं थाई पैड इसके अंदर। तो ये गाड़ी का जो कलर था पहले ग्रीन और ब्लैक कलर का था, तो अब हमने ये रैम्बो क्रोम लगाई है इसके अंदर। काफ़ी हैवी होता है कि 1 ईयर वारंटी होती है। अब जब गाड़ी चलाते हैं तो आपकी लैग वगैरह पूरा सेफ्टी रहती है इसके अंदर, और इंजन भी टूटने से बच जाता है आपका। तो रेडिएटर सेफ्टी के लिए हमने इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल लगाई है, इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है। तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोटो एमके राइडर में। तो आज हमारे पास आई है यामा M1015। तो इसके अंदर हम पीपीएफ कर रहे हैं, और भी कई सारा सामान लगा है इसके अंदर, काफी सारा सामान लगा है। और एक आया हमारे पास कावासाकी G900, तो उसके अंदर रैपिंग होने के लिए आई है। तो मैं दोनों गाड़ी आपको दिखाता हूँ, जैसे आप कहते हैं MT ये खड़ी हमारी, ये काम हो रहा है इसके अंदर, और अभी इसमें 3M की पीपीएफ होगी इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर एक HP कंपनी का हमने क्रिस गार्ड लगाया है इसके अंदर। ये देखते तो काफ़ी हैवी होता है, पूरा हैवी होता है, जबरदस्त कोटिंग होती है इसकी, 1 ईयर वारंटी होती है, कोटिंग वगैरह हट जाए वगैरह। तो इसके अंदर एक 3M की हमने पीपीएफ करी है, देखिए इस पे पार्ट पे हो चुकी है, आपको पता नहीं लगेगा अलग से कि हो चुकी है इसके अंदर, कहीं से भी महसूस नहीं होगा कि आपने इसके अंदर 3M की पीपीएफ करा रखी है हमारे पास से। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी, हम फ्रंट से इसकी चीज़ें दिखाते हैं इसके अंदर। तो जैसे कि गाइस मैं आपको बता रहा, इसमें काफ़ी सारा सामान लगा है। एक तो लगा हमने लीवर प्रोटेक्टर कार्बन फाइबर के अंदर है, तो गाड़ी का जो कलर है ब्लैक एंड ग्रे कलर का, तो हमने इसमें लगाया सिल्वर एंड कार्बन, तो इसकी गाड़ी की थोड़ा सा कंट्रास्ट इसके अंदर आ जाएगा और लुक आ जाएगी। तो काफ़ी हेवी तक क्लच का आपका सेफ्टी वगैरह होती है, गाड़ी गिरती है लीवर वगैरह नहीं टूटेगा, इसकी सेफ्टी के लिए होता है। और हाथ वगैरह जैसे आप चलाते हैं तो हाथ पर कहीं स्क्रैच या चोट नहीं लगेगी आपकी। तो जैसे हम आएंगे इधर, फिर नीचे हमने इसके लगाया स्लाइडर, मैंने आपको दिखाया है जो ये अपना स्लाइडर वाला है क्रेस गार्ड, ये हैवी होता है, लोहे वाला बहुत ही हैवी होता है। तो ये इसको क्या साइड वगैरह बचाती है, अब जब गाड़ी चलाते हैं तो आपकी लैग वगैरह पूरा सेफ्टी रहती है इसके अंदर, और इंजन भी टूटने से बच जाता है आपका। और तो जब इधर एक हमने लगाया इसके अंदर वाली स्टैंड हैंडल पे इसके हमने, तो काफ़ी है ये 360 डिग्री वाला मोड होता है, ये आपका चार तरफ घूम जाता है, जैसे मर्जी इसको आप घुमा सकते हैं, इसको खोल के कोई भी फोन इसके अंदर फिट हो जाएगा। और जब हम इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे तो ये आवाज़ नहीं करेगा चलते हुए, और क्या लोकल जो मोबाइल स्टैंड होते हैं वो चलते हुए आवाज़ करते हैं। ये लिखा हुआ है इसमें 50mm से 95mm तक ये खुल सकता है ये। और फ्रंट में एक यूनिक सी इसमें विंडशील्ड लगाई है इसी कलर की, जो गाड़ी का कलर है आपका ब्लैक एंड ग्रे कॉम्बिनेशन होता है गाड़ी का, तो हमने ब्लैक और ग्रे कलर की ये विंडशील्ड लगाई है इसके अंदर। नई गाड़ी है ये, देख सकते हैं अभी नंबर भी नहीं आया, टेम्परेरी नंबर इसका, कंपनी से सीधी काम होने के लिए हमारे पास आई है ये। उसके बाद हमने इसमें सबसे एक यूनिक सी चीज़ क्या होती है, जो आपका इसमें पूरी गाड़ी के अंदर सबसे महंगा जो होता है रेडिएटर होता है आपका। तो रेडिएटर सेफ्टी के लिए हमने इसके अंदर रेडिएटर ग्रिल लगाई है, ये MT की स्टील की है, ये SS की, इसकी लाइफ टाइम वारंटी होती है, जंग वगैरह नहीं लगेगा इस पर, कभी भी नहीं लगेगा। और सेफ्टी वगैरह पूरी, जैसे गाड़ी आप चलाते हैं पत्थर वगैरह लग जाता है तो रेडिएटर नहीं टूटेगा, काफ़ी नाजुक चीज़ होती है, गाड़ी की जान होती है एक तरीके से रेडिएटर, ये इंजन वगैरह गर्म होता है, उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, काम आने वाली चीज़ है ये। तो आपको कोई भी नई गाड़ी ले तो पहले रेडिएटर ग्रिल जरूर लगाए अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि सेफ्टी होती है। उसके बाद जो हमारे पास G900 कावासाकी की आई है, तो ये रैपिंग होने के लिए ये गाड़ी खड़ी है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप इसके अंदर। तो ये इसमें भी ये लगी हुई है कंपनी से, देख सकते हैं G900 की ब्लैक कलर की, इसमें स्टील भी मिल जाती है, तो ये जरूरी है गाड़ी लेने का रेडिएटर ग्रिल लगाना। तो इसके अंदर देख सकते हैं स्लाइडर भी लगे हमारे पास, ये भी मिल जाएंगे, दोनों कलर में मिल जाएंगे, सिल्वर एंड ब्लैक। SC का एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, किसी भी गाड़ी के लिए आपको एग्जॉस्ट वगैरह चाहिए वो भी मिल जाएगा। बाकी इसमें जो आई है ये ग्रीन कलर की गाड़ी आती है, ग्लेन एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन। तो हम इसको जो रैपिंग कर रहे हैं रैम्बो कलर की है, जब पूरी तैयार हो जाएगी तो आपकी फुल वीडियो भी तैयार होने का दिखाएंगे आपको। बाकी एक पार्ट हो चुका है, पूरी गाड़ी खोल दी, खोल के ही तैयार कराते हैं हम इस गाड़ी को। जैसे खोल दी अभी RCM ने तैयार करी है, तो वो गाड़ी भी पूरी खुल के ही तैयार होती है, ये भी पूरी खुली पड़ी है, खुलने के बाद जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी तैयार होने का, तो आपको फुल वीडियो बनाते हैं दिखाते हैं आप। तो वीडियो स्किप ना करें, कहीं ना जाए, वीडियो में बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। गाइस तो हमारी गाड़ी तैयार हो गई है, कावासाकी G900 अपनी तैयार हो गई है। तो ये हमने जिसके अंदर टेप लगाई है, क्रोम रैम्बो है ये अपनी, क्रोम वाली हो गई, रैम्बो में सेट मारती है अलग अलग, दिन में खड़ी हो या रात को लाइट वगैरह पड़ती है तो अलग अलग साइड मारती है, जैसे आप देख सकते हो। तो ये गाड़ी का जो कलर था पहले ग्रीन और ब्लैक कलर का था, तो अब हमने ये रैम्बो क्रोम लगाई है इसके अंदर। तो ये पूरी गाड़ी तैयार हो चुकी है, तो आप इसकी लुक देख सकते हो अलग ही, स्टिकर वगैरह अलग से बना के लगाए हैं, ये देख सकते हैं। इसमें पहले दूसरे स्टिकर आती है अलग से बना के लगाए हमने खुद अपने हाथ से ही, ये स्टिकर इसके अंदर, ये टैंक पैड लगा इसके अंदर, देख सकते हो। इसकी काफ़ी यूनिक सी लुक आ रही है लगने के बाद, गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो थाई पैड ये लगे हुए आते नहीं है अलग से, ये भी लगाए हुए हैं थाई पैड इसके अंदर। तो इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी रैपिंग वगैरह करानी है, आप हमारे चैनल पर आ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एड्रेस आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी हमारा स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। तो ये हमने इसका छोटा सा विंडशील्ड ग्लास आता है, इस पर भी हमने, ये ब्लैक कलर का होता है, इस पर भी क्रोम किया है, ये देख सकते हैं। जो इसका फ्रंट की लाइट है, वाइजर है, ये ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन और ब्लैक कलर का। तो इसके अंदर हमने क्या किया है, पूरी क्रोम करी है यहाँ से,
तो हमने क्या होता है, ये ग्रीन कलर का यहाँ से पार्ट होता है इसका, तो इस पर भी हमने ये करी है, इसके ऊपर से फिर ब्लैक कलर की टेपिंग करी है, तो डबल कॉम्बिनेशन दिया इसको। जैसे ही मरघाट पे आएंगे आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है लाइट पड़ने के बाद, तो मरघाट पे भी यही डिजाइन बनाया है। तो अलग हटके मॉडिफिकेशन करिए, हमारे पास आएंगे सबसे अलग होकर ग्राफिक्स होगी। आप कोई भी बाइक आप रैपिंग के लिए लाइए हमारे पास, जैसा कलर बोलोगे वैसे कलर की आपकी बाइक बना के देंगे। तो जैसे कि आपने देखा है रैपिंग के लिए, इसके अलावा हमने और भी कई सारी गाड़ी करी है, हमारे चैनल पर जाइए, बाकी और भी वीडियो मिल जाएगी आपको। R15 V4 की वीडियो मिल जाएगी आपको, KTM RC की वीडियो मिल जाएगी, G900 की करी हमने रैपिंग। इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन करानी आप हमारे चैनल पर आइए, हमारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह करना आपको स्क्रीन पर दिए नंबर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, ओके, गुड बाय।